इस व्हील को मैं पूरी ताकत लगा के घुमा रहा हूँ तो देखो ये हल्का हल्का से घूम रहा, फुल ताकत लगा रहा हूँ। इसकी जो ब्रेक है ना, ये देखो मैंने ब्रेक दबाया और ब्रेक को रिटर्न कर दिया, ठीक। अब भी व्हील जाम है, ये चेक करो, अब भी व्हील बिल्कुल जाम है। जैसे इस कैम को मैं आगे की तरफ खींच लूँगा, इसका व्हील बिल्कुल हो जाएगा फ्री कंप्लीट होने के बाद। चेक करो, बिल्कुल मस्त, ब्रेक भी बढ़िया काम कर रही है। और ब्रेक जाम होने से क्या कहते हैं, रियर ब्रेक हो या फ्रंट ब्रेक हो, जाम होने से सीधा सीधा इंजन पे फर्क पड़ता है, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। मेरा नाम आज तो आ जाती है, मेरे पास हीरो की पैशन प्रो बाइक है, जिसका जो फ्रंट व्हील है ना इस बाइक का, वो पूरा बेहतरीन तरीके से जाम है। इतना ज़्यादा जाम है कि मैं इसको अगर घुमा रहा हूँ ना, तो देखो पूरी ताकत लगा के घुमा रहा हूँ तो थोड़ा सा ये घूम रहा है। और जो इसकी जो ब्रेक है, ब्रेक की बात करूँ तो यहाँ से मैं इसको पहले हटाता हूँ। ये देखो ये ब्रेक है, इसको दबाने के बाद जो है रिटर्न भी कर दिया मैंने, देखो रिटर्न कर दिया, फिर भी जो इसकी ब्रेक उसी तरीके से व्हील जाम है। जैसे इसको मैं पीछे खींच लूँगा इसकी कैम को, व्हील बिल्कुल हो जाता है फ्री। तो अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारा कुछ आप लोगों को ये वीडियो में पता चल जाएगा। मैंने ब्रेक को फिर से दबाया और फिर से व्हील जाम हो गया, देखो बिल्कुल हार्ड हो जाता है यार, एक ज़रा से भी हिलता ही नहीं है, देखो चेक करो। और जैसे कैम को पीछे कर लो, बढ़िया फ्री हो जाता है। कि मैं सबसे पहले एक चीज़ क्या चेक करता हूँ, इसकी जो ब्रेक केबल है ना, ब्रेक केबल को मैं खोलता हूँ, पूरी बाहर करता हूँ, उसके बाद ये चेक करते हैं ब्रेक केबल जाम है या जो इसकी मैंने अभी बताया ना केम जाम है। तो ये दोनों चीज़ चेक कर लेते हैं। ब्रेक दबाना ऊपर से और नीचे से खींच के रखना, ठीक। ये ब्रेक दबी और ये मैंने खींच के लिया, ये दबाया, ये मतलब इसकी जो ब्रेक केबल है ना बिल्कुल फ्री है। तो ब्रेक केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है इसके केम में, इसकी जो केम है ना, ये वाली रॉड जाम हो चुकी है ब्रेक वाली। तो ये चेक करो, देखो ये पूरी है ना बिल्कुल हार्ड जाम, ये फ्री रहती है, अप डाउन करती रहती है। देखो ये जैसे मैंने इसे पीछे लिया और जब मैं आगे इसको दबाऊँगा ना, जैसे ब्रेक को हमने दबाया तो ये आगे गई, अब ये जाम हो गया। प्रॉब्लम जो कमी है व्हील के अंदर है, तो इसका जो व्हील है, व्हील ओपन करना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से इसका व्हील ओपन करते हैं। 17 नंबर यो नहीं 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 18-19 का पाना लेना है और ये बोल्ट को लूज कर लेना है, आगे के साइड में दबाना है तो ये बोल्ट हो जाएगा लूज। तो पहले मैं जो ये बोल्ट जो है इसको 18-19 के पाने से खोल लेना है, उसके बाद में इसका जो एक्सल है, एक्सल को निकालना है बाहर। चलो मैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ ही बता देता हूँ व्हील खुलता कैसे है। देखो ये मैंने एक्सल हल्का सा निकाला, यहाँ पे पाना फंसा के इसका एक्सल जो है मैं पूरा बाहर कर लूँगा, बस इसका व्हील निकल जाएगा बिल्कुल आराम से। अब इसकी ड्रम प्लेट निकालने से पहले क्या करेंगे, जो मीटर की केबल लगी होती है ना उसको भी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसकी ड्रम प्लेट ही मुझे बाहर पूरी निकालना पड़ेगा। तो ये होती है मीटर की केबल। अब इसकी ड्रम प्लेट मैं बाहर निकाल लेता हूँ, जाम है इस वजह से थोड़ा सा निकल नहीं रही है, इसको निकालते हैं, निकल गई, ठीक। अब इसका जो, इसी में सारा काम करेंगे अपन, इसी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसका ब्रेक शू निकालते हैं, ब्रेक शू पे थोड़ी सी ये मार देंगे मार्किंग, ताकि लगाते टाइम पे उल्टा ना लग पाए। इसको साइड में रखते हैं। इसकी केम जो मैं बात कर रहा था ना बार बार केम, तो ये है इसकी केम, ये पूरी जाम है, जबकि ये फ्री रहती है, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, फिर भी ये बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, जाम हो चुकी है। इस केम को ओपन करते हैं, 10 नंबर का पाना, 10 नंबर की टी, ये दो लगेगी, इसकी केम बाहर निकल जाएगी। केम वाला जो बोल्ट होता है वो मैंने ओपन कर दिया, अब यहाँ पर लगाएंगे जो रॉड है ना, ये अलग से मैंने रॉड लिए, इस रॉड के बीच में रख के पंच करना है, ताकि नीचे वाला रॉड भी निकल जाए, ऊपर वाली केम भी बाहर आ गई। ये देखो ये होती है केम, और ये वहाँ पे वाशर, और एक यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है, और एक जो है यहाँ पे वाशर टाइप में होगा, ये चीज़ को साइड में कर लेना। इसकी जो ये हो गई प्लेट को साइड में रखते हैं, ये है मेन जो जाम कर रही है, देखो इस जगह से ये बहुत ज़्यादा जाम कर रही है। तो अब इसमें मैं लगा के एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो ये मैंने लगाया और ये जाम जाम।
तो यहाँ पे मट्टी और पानी जाने को जैसे जंग लग गया, और जंग लगने की वजह से क्या हो रहा है कि जब बम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ये वहीं पे रुक जा रही, ब्रेक रिटर्न नहीं आ रही है। अब इसकी जो रॉड है केम वाली, इसको क्लीन करेंगे कैसे, तो इसके लिए रेगमाल लेंगे, जो पॉलिश पेपर आता है ना ये, इसको लेके बस यहाँ पे रखना और इसको घसना है, जितना भी जंग है वो सारा निकाल देना है। मैंने केम वाली रॉड को फुल क्लीन कर दिया, आप लोग देख सकते हो रेगमाल से क्लीन किया है। अब ये जो प्लेट है, इस प्लेट को भी बढ़िया से क्लीन कर लेना, अगर जंग लगा हो तो इसके अंदर भी जो ना कपड़े से क्लीन कर लेना, इस होल के अंदर बिल्कुल फ्री केम गई, बिल्कुल फ्री घूम रही है, ये देखो है ना बिल्कुल फ्री, ये इसी तरीके से बिल्कुल फ्री होती है। अब जब स्प्रिंग लग जाएगी बाहर से तो और ज़्यादा फ्री हो जाएगी। अब इसमें ग्रीस लगाना है, ग्रीस लगाने के बाद ही इसको फिट करना है, तो मैं इसमें पहले ग्रीस भरता हूँ बढ़िया तरीके से। लो अभी जो इसकी केम है, केम को बैठाते हैं इसके अंदर, ये केम रॉड को बिल्कुल फ्री हो गया। एक बार इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे और जो एक्स्ट्रा ग्रीस निकल गई है उसको इसके अंदर करेंगे, ये अब इसको बैठा देंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। और इसके बाद ये ब्रेक शू है, ब्रेक शू पे मैंने मार्किंग लगाई थी, देखो मार्किंग यहाँ पे लगी हुई है। इसका ब्रेक अगर उल्टा हो गया ना तो भी प्रॉब्लम करेगी। ब्रेक शू जैसे निकला था वैसे ही लगा देना है। ये ब्रेक शू जो इसका लग गया, ये कंप्लीट। अब इसको इस तरीके से रखते हैं और इसमें जो केम है, जो वाशर है, वो सारा कुछ लगा देते हैं। चलो सबसे पहले इसमें वाशर लगेगी, ये वाली, ये फाइबर की वाशर, फाइबर की क्या मैं बोलूँ पता नहीं यार, ये बिल्कुल नॉर्मल तो है, जैसे समझ रहे हो ना कापूस रहता है ना वैसी है। तो इसको अच्छे से अपने को बैठा लेना है, इससे क्या होगा जो पानी होता ना, पानी ये सोख लेता है, ये ऐसा वाशर है। अब इसके बाद में लगाना है हमको इसका वाशर, और जो वाशर है ना ये वाला, इसमें जो देख लेना कि बिल्कुल सटीक बैठ जाता है, इसमें कोई भी जो है पंच करना नहीं पड़ता है, बिल्कुल सटीक बैठ जाएगा। ये इधर नहीं बैठ रहा, इसका खाँचा देखते हैं पहले, बड़ा वाला यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, तो इसको हम मैच कराएंगे। तो ये देखो बैठ गया बिल्कुल प्यार से, थोड़ा सा ये नहीं, बस ये बैठ गया, ठीक है कंप्लीट। अब इसको ऊपर चाहो रख सकते हो, केम को घुमाना पड़ जाएगा, मतलब फिर ये ऊपर के साइड में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। स्प्रिंग इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, इसके अंदर से स्प्रिंग को बिठाना, और यहाँ पे एक होल होगा, ये देखो यहाँ पे, इसके अंदर जो है स्प्रिंग को इस तरीके से बैठा देना है। अब ये जो वाशर है, इस वाशर को केम के अंदर बैठा देना। अब इसकी केम लेना है, ये केम है, केम रॉड, केम को क्लीन कर लिया है। अब इसको मैं बैठाता हूँ, पहले तो हमको इस पे पंच करना पड़ेगा, ये बस। अब इसके बाद स्प्रिंग को ऊपर लेंगे और इसको बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं व्हील लगाने के बाद, अभी तो मैं ऐसे ही फ़िलहाल जी इसको फंसाए दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब रोक के रखता हूँ बस इतने पर ही, थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ बस, ये इतने। जब हम इसका व्हील फिटिंग करेंगे तो हो सकता है इसकी जो केम है वो मुझे आगे पीछे करनी पड़ जाए, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, परेशान मत हो। ये कंप्लीट हो गई इसकी प्लेट, इसका जो ब्रेक शू है ना उसको घसना है। चलो ये केम तो बिल्कुल फ्री हो गई, पहले ये दब ही नहीं रही थी, ये देखो बिल्कुल फ्री हो गई है। इसका ब्रेक शू घस लेते हैं। ड्रम प्लेट जो है ना, ड्रम प्लेट को लगाते हैं इसके ड्रम में, ये बैठा देना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, इसको प्यार से बिल्कुल बैठाना, इस तरीके से इसको रोटेट कर देना, ये घुमा देना। यहाँ का गैप ज़्यादा होगा तो इसका जो मीटर का गियर होता है ना, गियर वो सही से नहीं बैठा होगा, तो उसको आप लोगों को ठीक से बैठा देना, मतलब गियर गैप जो है वो कम होना चाहिए। अब इसका व्हील मैं फिटिंग करता हूँ, व्हील का जो एक्सल है मैंने एक्सल लगा दिया है। अब इसकी जो मीटर केबल जो हमने निकाली थी, इस जगह से केबल को फंसा देते हैं। ये इसकी ब्रेक वायर, क्रेक केबल, इसको भी हम यहाँ पे बैठाते हैं। रबर थोड़ी सी फट गई ना, इस वजह से प्रॉब्लम कर रही, थोड़ा सा इसको मैं निकाल ही देता हूँ बस। अब ये बैठ गई है,
अब इसकी कैम को एडजस्ट करके ये चेक कर लेना है ब्रेक कहाँ पे जा रही, बहुत आगे जा रही ना ब्रेक, तो इसकी कैम को थोड़ा सा पीछे करेंगे और इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये इसको पीछे की साइड ले जाएंगे और बस यहाँ पे चेक करते हैं, ज़्यादा आगे हो गई, थोड़ा सा और आगे यहाँ पे चेक करते हैं, अभी भी सेम है, थोड़ा सा और, बस ये सही है ना, इतने पे इसको लॉक कर देते हैं, ये सही है, बिल्कुल ठीक है, इसको इतने पे ही करते हैं लॉक, ये चीज़ बिल्कुल फ्री कैम। इसी तरीके से ब्रेक जो कैम है ना, इसी तरीके से फ्री होती है, पानी जाने की वजह से जाम हो जाती है, इसका बोल्ट लगा के बोल्ट को टाइट कर देते हैं, उसके बाद ब्रेक एडजस्ट करेंगे। ये वाला जो मैं नट टाइट कर रहा हूँ ये ब्रेक का है, आप इससे ब्रेक लूज या टाइट कर सकते हो इसी बोल्ट से। अब क्या करना है, एक्सल वाला बोल्ट लगाना है, ये मैं लगा लेता हूँ, फंसा लेता हूँ, अब व्हील को घुमाना है, ब्रेक को दबाना है, फ्रंट वाली ब्रेक को दबा लेना है, ये दबा दब गई ना, अब इसका बोल्ट टाइट करना है एक्सल का। इससे जो क्या होता है, ये ब्रेक दबाने से और व्हील के बोल्ट टाइट करने से क्या होता है, इसको ब्रेक जब हमने दबा लेते हैं एक्सल का बोल्ट टाइट करते हैं ना फुल, तो व्हील जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो जाता है, बस इसीलिए होता है ये। चलो इसकी ब्रेक चेक कर लें, ब्रेक जो है थोड़ा सा लूज है, तो और इसको मैं टाइट कर लेता हूँ थोड़ी सी ब्रेक को, बस अब इसका व्हील चेक कर लेते हैं, फ्री है, थोड़ा सा टाइट पकड़ रहा है, तो एक चूड़ी और लूज करेंगे, अभी ये बिल्कुल फ्री हो चुका है, देखो ब्रेक दबाया, दबी छूटी, व्हील हो चुका है फ्री, बिल्कुल फ्री व्हील हो चुका है। पहले ये जो प्रॉब्लम थी काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि व्हील जाम होने से प्रॉब्लम क्या क्या आती है बाइक में। तो फाइनली ये बाइक हो चुकी है कंप्लीट, आप लोगों ने देखा इसकी जो ब्रेक थी ना काफ़ी ज़्यादा जाम थी, बहुत ज़्यादा जाम थी, इसको मैंने कैसे ठीक किया ये चीज़ आप लोगों को ये वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताया हूँ। बाकी इस ब्रेक जाम होने से क्या होता है, या रियर ब्रेक हो या फ्रंट ब्रेक हो, जाम होने से सीधा सीधा इंजन पे फ़र्क पड़ता है, इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या इंजन बहुत ज़्यादा हीट होता है, अगर ब्रेक जाम है तो इंजन भी हीट होगा, एवरेज भी नहीं देगी बाइक और बाइक बहुत ज़्यादा जाम चलेगी। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा लगा लेना, अगर इंजन जाम हो तो एक बार ब्रेक चेक कर लेना, डबल स्टैंड पे खड़ी करना और ब्रेक चेक कर लेना। बाकी चलो ये वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी, तो चलो ये वीडियो करते हैं एंड। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो के साथ।